पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस के सभागार में पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मुरादाबाद के निर्यातकों और उद्योग बंधुओं के साथ बैठक की, साथ ही सभी की शिकायतों को भी सुना। इस दौरान निर्यातकों द्वारा अपनी मांगों का मांग पत्र भी औद्योगिक विकास मंत्री को सौंपा गया। सर्किट हाउस के सभागार में मौजूद रहे औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने निर्यातकों से सर्वप्रथम परिचय प्राप्त किया और उनकी शिकायतों को सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पहले हमारी मीटिंग हुई थी जब आप मुरादाबाद आए थे कि यहाँ पर आर्टिकल्स को हम कैसे आगे लाएं और निर्यात के साथ जोड़ के हम कैसे अपने देश का भविष्य उज्जवल कर सकें। अगर हमारा ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा और यहाँ पर एक ही विंडो के नीचे हमें सारी परमिशन मिलेगी और 500 मीटर 5000 मीटर 10000 मीटर के बड़े छोटे सब प्रकार के जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में विकसित होंगे तो सब लोग एक जगह बेफिक्र होकर काम कर सकेंगे। जो बेनिफिट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलते हैं सर, वो उन बेनिफिट के हम भी अधिकारी हैं और हमको भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी में कैपिटल सब्सिडी 25% प्लान और मशीनरी के लिए है, हमारे लिए नहीं। जो माल फ्रेट भेजा जाता है बॉम्बे के लिए सर, उसमें 75% पहले 2 साल के लिए, 50% अगले 2 साल के लिए, 25% अगले साल के लिए, हमारे लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। निर्यातकों द्वारा बताया गया कि इन दिनों काफी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अपनी बात को पेश करते हुए निर्यातकों ने कहा कि मुरादाबाद में लगभग 3000 निर्यातक हैं, जिससे लगभग 6 लाख लोगों का रोजगार प्रदान होता है, लेकिन सुविधा के नाम पर आज भी निर्यातक शून्य है, जबकि सरकार की मंशा है कि वो आर्टिजन्स को भी निर्यात में समान रूप से भागीदारी दें और आगे लाएं। औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर एक हरथला औद्योगिक क्षेत्र है जिसका विकास नहीं हो पाया है। आपके माध्यम से एसोसिएट के गौर कर रहे हैं तो अभी मेरी 15-8 साल हो गए कि 15-16 इंस्टीट्यूट से मैं मौजूद है। आज के दौर में पूरा बंधु है पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर्स। Many prospective entrepreneurs are proposing to establish their units and many are already operating. Due to oversight, certain issues have been overlooked and have been brought to the notice to avoid further meetings time and again. The approach road to SEZ is in a bad state. At the Parkmanar turning point, and has become worse in the monsoons. Electric lighting on the road needs urgent repairs. Tall grass has grown in the vacant plots, which has become unsafe inside the SEZ. There is no sufficient lighting facilities. From collecting garbage, security of the area is poor. साथ ही निर्यातकों ने कंटेनर सब्सिडी पर कहा कि अभी तक यूपी सरकार से 20 फीट के कंटेनर पर 6000 रुपया और 40 फीट के कंटेनर पर 12000 रुपया सब्सिडी दी जाती है। सभी निर्यातकों ने मांग करते हुए कहा कि कंटेनर पर सब्सिडी बढ़ाई जाए जिससे कि निर्यात को बढ़ाया जा सके। फेयर पार्टिसिपेशन में प्रोत्साहन विभाग द्वारा स्टैंड रेंट स्टैंड बनाने की कीमत और हवाई यात्रा के लिए केवल 1.5 लाख रुपए ही दिए जाते हैं, जबकि फेयर में आने जाने का और स्टैंड का रेंट मिलाकर करीब 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आता है। सभी ने मांग की है कि फेयर पार्टिसिपेशन का अनुदान 5 लाख किया जाए और 2 व्यक्तियों के आने जाने की आज्ञा दी जाए। इसके साथ ही अन्य मांगे भी मंत्री महोदय के सामने रखी गई। कि उन सब्सिडीज को क्या रिवाइज करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए, बिकॉज वो उनके जो उनका निर्धारण है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, अपडेटेड, उसके बाद से बहुत खर्चे बढ़ चुके हैं। हर चीज़ की चार्जेस जिन सब्सिडी से रिलेटेड वो सब्सिडीज है वो अब बहुत इनसफिशियंट हो गई है। हमने ये जो है सेक्रेटरी साहब के संज्ञान में लाए थे तो वो बोले कि उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसको कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम लोग उन्होंने कहा
कि हम लोगों को अपने स्तर पे शासन के अंदर और जो है गवर्नमेंट के अंदर परस्यू करना चाहिए कि वो रिसोर्स जो है टाइम जो है जो किटी है वो इंक्रीज होनी चाहिए जिससे कि वो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी का और बेहतर हो सके। राजेश जी ने और इंदिरा जी ने उनकी रखी है, हम सबके लिए ऊर्जा जो है वो बहुत ही जरूरी है, चाहे वो छोटा व्यवसाय हो चाहे बड़ा व्यवसाय हो। और जो सोलर पावर है, जिस तरीके की हमारी सरकार का चल रहा है, तो सोलर पावर अगर मुरादाबाद में जहाँ की सारा का सारा व्यवसाय सारा बिजनेस हमारा पावर बेस है, अगर उसमें सोलर व्यवसाय के ऊपर सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन्स यूनिट्स को प्रोवाइड करे, क्योंकि अभी यूनिट्स के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट करना जो है फीजिबल नहीं है, तो अगर सरकार इस तरफ कोई अपना हाथ बढ़ाए और इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो यूनिट्स को प्रोवाइड करे, तो एक काफ़ी समाधान जो है वो यूनिट्स को और इंडस्ट्री को मिल सकता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अध्यक्ष जी ने एक अलार्म दिया ही था। मुरादाबाद जो है वो तीन दिशाओं में है, दिल्ली रोड, रामपुर रोड और कांट रोड, और काफ़ी पुराना यहाँ पे ये व्यवसाय है। जो पुरानी फैक्ट्रीज हैं जो मानक पूरे कर सकती हैं, पुराने मानक, अगर इन तीनों सड़कों को ही इंडस्ट्रियलाइज कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये समस्या दूर हो सकती है फौरी तौर पर। इंडस्ट्रियल एरिया की समस्या दूर नहीं हो सकती, लेकिन फौरी तौर पर जो हमारी समस्या है वो दूर हो सकती है। और फिर जब सरकार अपना लैंड चिन्हित कर ले, जैसे कि उन्होंने कर रखा है मास्टर प्लान में, परंतु उसका जोनल प्लानिंग नहीं कर रखी है, जिस वजह से कोई भी नक्शा वहाँ पर पास नहीं हो पा रहा। निर्यातकों की शिकायतें सुन रहे औद्योगिक राज्य मंत्री सतीश महाना ने इस बाबत बात करते हुए कहा कि सभी की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा और जल्द ही इनका निस्तारण कर दिया जाएगा। ऐसे इंडस्ट्रीज जो विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री चला रहे थे, मैं उनको साधुवाद भी देता हूँ और उनकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ। उस अपराधीकरण के युग में, उस बिजली ना मिलने के युग में, उस आपस में डिस्कनेक्ट के युग में सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच में वो अपनी इंडस्ट्री चलाते रहे। आज सरकार इंडस्ट्रीज के हित के लिए खड़ी है, उसकी सुरक्षा के लिए खड़ी है, उसके संसाधन देने के लिए खड़ी है, उसके सम्मान के लिए खड़ी है। विशेष रूप से जिस समय हमने ODOP का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने करी है, उत्तर प्रदेश का हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में अपने प्रोडक्ट्स के नाते से पूरे देश और दुनिया में अपना स्थान रखता था। उसमें मुरादाबाद के बारे में हम सब लोगों को मालूम है और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। मैंने जिस समय ये इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, तो अब इंडस्ट्रीज की चर्चा होती है, अब राजनीति का केंद्र भी इंडस्ट्री हो जाता है। अगर इस समय विपक्ष को बोलना होता है, मुख्यमंत्री को बोलना होता है, तो इंडस्ट्री के बारे को केंद्र बिंदु रखकर बातचीत करते हैं। जो इंडस्ट्री कहीं पूरे सर्कल के अंदर नहीं थे, वो केंद्र बिंदु बनकर आ गए। जब वो केंद्र बिंदु बनकर आया तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम इंडस्ट्रीज के हित की बात करें, हम उनको संसाधन दे सकें, उनका सम्मान दे सकें। यहाँ पर मैंने बैठक में इंडस्ट्री से सीधा वन टू वन डायरेक्ट बातचीत करी है। उन्होंने बताया कि पहली बार कोई मिनिस्टर कम से कम एक डेढ़ घंटा बातचीत तो कर रहे हैं, बातचीत करते हैं। हमारे सारे विभागीय अधिकारी उपस्थित थे, उनको जो भी आवश्यक निर्देश हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, आपस में विभागों के समन्वय के लिए सारे निर्देश दिए गए हैं। और जो इनकी समस्याएं हैं, विशेष रूप से जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जो समस्याएं हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एसोसिएट की समस्याएं हैं उनसे टेकअप करेंगे, जो इनके ID यहाँ पे कंटेनर डीपो से संबंधित है उनसे टेकअप करेंगे, GSI से संबंधित है, क्योंकि इंडस्ट्री सारे विभागों को मिलाकर बनती है, तो जो जो जिस जिस विभाग से संबंधित इशूज़ होंगे हम उसको टेकअप करेंगे और यहाँ के इंडस्ट्रीज की समस्या का समाधान ज़रूर होगा।